Okay, so hi everyone. So in this video, we will discuss about the solution of problem A of recent Kickstart round, which is round H 2021. Transform the string. Okay, let's open the problem and yeah. So first of all, मैं assume कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने problem statement पढ़ लिया है. ठीक है, problem statement अगर नहीं भी पढ़ा है तो description में link है, उसको खोलो, प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ो, 10-15 मिनट्स एटलीस्ट ट्राई दो. ठीक है, और फिर हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं. तो या आई होप कि तुम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस. ठीक है, ये कुछ एक पैडलॉक है, एक लॉक है, मतलब जो हमारा सूटकेस वगैरह में होता है ना, जिसको हम ऐसे रोल कर सकते हैं, इस टाइप का कुछ लॉक है. और तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है और तुम्हारे पास एक और स्ट्रिंग दी हुई है एफ. ये दिस एफ स्ट्रिंग एक्चुअली मीन्स फेवरेट कैरेक्टर्स, योर फेवरेट कैरेक्टर सीक्वेंस है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रिंग. लेट्स से इट इज ए बी ए सी, एंड योर लिस्ट ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स इज नथिंग बट लेट्स से ए बी ओनली. नाउ नाउ योर एम इज टू ट्रांसफॉर्म द स्ट्रिंग सच दैट एवरी कैरेक्टर है ना, एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग मस्ट बी ओन एनी वन ऑफ दिस कैरेक्टर. मतलब हर कैरेक्टर स्ट्रिंग का जो है वो इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, मतलब जो तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए. तो इस केस में तुम बोलोगे कि चलो ठीक है, ए तो फेवरेट है, बी भी फेवरेट है, ए भी फेवरेट है, बी भी ए भी फेवरेट है, बट सी फेवरेट नहीं है, इसका क्या करें. तो अभी तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें एक ऑपरेशन दिया हुआ है. ऑपरेशन कैसा है कि एक ऑपरेशन में तुम ऐसे रोल कर सकते हो उसको, कैरेक्टर को. रोलिंग अ कैरेक्टर व्हाट डज इट मीन, रोलिंग अ कैरेक्टर मीन्स लेट्स से अगर ये सी है तो वन ऑपरेशन में तुम या तो डी पे जा सकते हो, मतलब एक आगे चले गए, या फिर एक बार पीछे जा सकते हो. तो समझ रहे हो ना, एक साइकिल टाइप का है कि लेट्स से अगर सी है तो फिर बी में पीछे जाओगे तो ए मिलेगा, ए में पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, जेड. और ऐसे करके ये साइकिल बना हुआ है. तो फॉर एनी कैरेक्टर अगर तुम्हें उसको चेंज करना है, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट बी. सो इन वन ऑपरेशन यू कैन ईदर गो टू सी, यू कैन ईदर गो टू ए. ओके, एंड नाउ यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू नीड टू परफॉर्म सच दैट एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एस इज फेवरेट. स्टिल द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, डोंट वरी. लेट्स टेक द सैम्पल इनपुट. सैम्पल इनपुट क्या है, सैम्पल इनपुट क्या है, दिस इज द सैम्पल इनपुट राइट. और लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल सैम्पल इनपुट. दिस इज और मे बी लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली. ठीक है, तो द पॉइंट इज एस इज ए बी सी डी एंड वॉट इज एफ. एफ इज नथिंग बट फेवरेट कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब अ सेट ऑफ फेवरेट कैरेक्टर्स. तो ये ए है. इट मीन्स इवेंचुअली तुम्हें ऑपरेशंस तो करने हैं, परफॉर्म करने हैं, इवेंचुअली ऐसे परफॉर्म करने हैं कि जो ये स्ट्रिंग एस है ना, तुम्हें सारे कैरेक्टर्स फेवरेट होने चाहिए. मैं बोलूँगा ओके, फर्स्ट कैरेक्टर तो ऑलरेडी फेवरेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट अबाउट प्रॉब्लम, व्हाट अबाउट दिस कैरेक्टर, ये फेवरेट नहीं है. मैं बोलूँगा कि बी को हम ए बना सकते हैं कि ए ए ही फेवरेट है ना, तो एक ऑपरेशन लगेगा. करेक्ट, मैं बोलूँगा कि ओके सी को मुझे ए बनाना है राइट. ये सी को कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मैं बोलूँगा ए बी सी ऐसे है. ठीक है, तो मैं दो ऑपरेशंस में सी को ए बना दूंगा. तो मैं बोला ठीक है. सिमिलरली डी को भी मुझे ए बनाना होगा, तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे, तीन ऑपरेशंस लगेंगे. एंड इवेंचुअली द स्ट्रिंग विल बिकम ए राइट, क्योंकि फॉर एवरी कैरेक्टर तुम उससे रोल कर सकते हो. तो अभी पॉइंट क्या है, अभी पॉइंट क्या है कि तुम्हें ये बताना है, मतलब ये इसका सम क्या हुआ है, टोटल ऑपरेशंस कितने किए तुमने, जो कि मिनिमम होने चाहिए. 3 + 2 5, 5 and 1 6, तो आंसर शुड बी 6. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर. अब हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. तो आई से ओके, मतलब अगर एस, दिस इज एस लेट्स से राइट, लेट्स दिस इज एस हैविंग सम कैरेक्टर्स एंड दिस इज एफ ऑल्सो हैविंग सम सेट ऑफ कैरेक्टर्स. आई विल से ओके,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट्स से इस कैरेक्टर, अगर ये कैरेक्टर फेवरेट है, इट इट मीन्स कि ये जो कैरेक्टर है ये किसी, लेट्स से यहाँ पे C1, C2, C3, C4 है, तो ये जो कैरेक्टर है लेट्स से C1 डैश, तो ये या तो C1 होगा, या फिर C2 होगा, या फिर C3 होगा, या फिर C4 होगा, राइट? किसी एक, कोई एक ही होगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स तो मैं फेवरेट चाहिए, बट कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी तुम ये बात बताओ कि मैं C1 डैश जो है उसको किसके इक्वल बना रहा हूँ, मतलब मेरे पास तो चार चॉइसेस है ना, C1, C2, C3, C4। तो मैं बोलूँगा यार कि जिसमें मुझे मिनिमम ऑपरेशंस लगे ना बनाने में, उसको बनाना, मतलब लेट्स से कि तुम्हें C1 बनाने में, C1 डैश को C1 बनाने में 5 ऑपरेशंस लग रहे हैं, C2 बनाने में 10 ऑपरेशंस लग रहे हैं, C3 एक ही ऑपरेशन में हो जा रहा है, C4 बनाने में लेट्स से 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। तो मैं बोलूँगा यार C3 बनाओ, C3 बनाओ उसको, क्योंकि मुझे मिनिमम मिनिमम ऑपरेशन चाहिए ना, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि मैं ये C1 डैश को इन सब के साथ चेक करूँगा कि ओके C1 डैश और C1 बना के देखते हैं कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, C1 डैश और C2 बना के देख रहे हैं कितने ऑप्शन लग रहे हैं, और मैं बोलूँगा कि ठीक है मैं फिर मिनिमम ले लूँगा, मतलब मिनिमम जो भी जितने भी लगेंगे। अभी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी अगर कोई तुमसे पूछता है कि लेट्स से यू हैव टू कैरेक्टर्स ए एंड बी, आई एम अज्यूमिंग कि ए इज़ लेस देन बी, तो इनके बीच में कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब मैं बस अगर नॉर्मल तुम अल्फाबेट्स लिखोगे तो, फिर यहाँ पे जेड है, यहाँ पे ए है, और ये ए और जेड भी कनेक्टेड है क्योंकि तुम्हें पता है कि साइकिल है, मतलब साइक्लिक चल रहा है सब चीज़, राइट? यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि साइक्लिक चल रहा है सब चीज़। तो अभी ये बताओ, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि ठीक है मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि C1 डैश को मैं C1 के साथ चेक करूँगा, C1 डैश को मैं C2 के साथ चेक करूँगा। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मुझे C1 डैश को C2 बनाना है तो कितने ऑपरेशंस लगेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ए को बी बनाना है, ए कोई कैरेक्टर है और वो बी से छोटा है, मैं अज्यूमिंग दिस, ठीक है, तो अगर मुझे उसको बी बनाना है तो कितने कैरेक्टर्स लगेंगे? तो तुम बोलोगे कि यार ठीक है, मतलब कितने ऑपरेशंस लगेंगे, सॉरी, तो तुम बोलोगे ठीक है ऑपरेशंस कितने लगेंगे, तो तुम बोलोगे मैं ये वाला पाथ फॉलो करूंगा। लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल, तो मैंने बोला कि ए जो है वो है क्या स्मॉल सी, और बी जो है वो है स्मॉल जी, इनके बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं? मैंने बोला डी है, ई है, एफ है, DEF, ठीक है, तो मैंने बोला कितने कितने ऑपरेशंस लगेंगे अगर मुझे सी को जी बनाना है, तो मैं बोलूँगा 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, विच इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन देम, एज यू कैन सी सी इज़ नथिंग बट थर्ड कैरेक्टर, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, तो कितने ऑपरेशन लग रहे हैं? 7 माइनस 3, तो से एक पाथ तो ये है जिसमें तुम्हें ऑपरेशंस लगेंगे बी माइनस ए, बट क्या क्या कोई दूसरा पाथ भी है ए से बी जाने का? मैं बोलूँगा येस, क्योंकि ये साइकिल है, यहाँ पे दो पाथ्स एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा पाथ ये है यार, ध्यान से देखना, ये है, फिर तुम ए से जेड जा रहे हो और फिर तुम जेड से बी जा रहे हो, पहला पाथ तो है ए से बी ऐसे चले गए, दूसरा पाथ क्या है कि ए से पहले ए गए, फिर ए से जेड गए, फिर जेड से बी गए, इसका लेंथ क्या होगा? मैंने बोला इसका लेंथ, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है ए माइनस स्मॉल ए, ये लेंथ कितना है? तो ये लेंथ सिर्फ 1 है क्योंकि ए से जेड तो एक ऑपरेशन में जा सकते हैं, और ये लेंथ कितना है? तो मैं बोलूँगा ये लेंथ है जेड माइनस बी, राइट? तो मैं बोलूँगा जेड माइनस बी, समझ आ रहा है? तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, तो मैं बोलूँगा कि जो भी मिनिमम ऑपरेशन लेगा ऑप्शन, उसको ले लूँगा, तो मुझे लेना है मिनिमम ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है यार? फर्स्ट ऑप्शन है बी माइनस ए, राइट? ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कि इस होल पाथ को ले लूँ, मतलब यहाँ से ये पूरा पाथ ले लूँ, समझ आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है यार इनका समेशन, राइट? क्योंकि पूरा पाथ है। सेकेंड ऑप्शन है ए माइनस ए प्लस जेड माइनस बी, ये जेड प्लस 1, समझ आ रहा है ना? ए माइनस ए यहाँ से, जेड माइनस बी यहाँ से, प्लस 1। तो अभी मुझे पता है कि अगर मुझे लेट्स से मैं बोलूं कि मुझे ए और बी, मतलब ए को बी बनाना है, मैं बोलूंगा कि मुझे ये ऑपरेशंस लगेंगे, मिनिमम ऑफ बी माइनस ए एंड ए माइनस ए जेड माइनस बी प्लस 1, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ए इज़ लेस देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है ना, लेट्स से अगर ए ग्रेटर देन बी है, मैं बोलूंगा स्वैप कर दो दोनों को,
जितने ए से बी में लगेंगे उतने ही तो बी से ए में जाने में लगेंगे ना। अगर ए से बी जाने में ये ऑप्टिमल पाथ है, मतलब ऐसे मैं बोलूँगा बी से ए जाने में भी सेम ही पाथ होगा, बस उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, समझ आ रहा है? तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए इज़ लेस देन बी राइट नाउ, ठीक है। अगर सेम ही वैल्यूज हैं, लेट से कि अगर मैं बोलूँ कि 2.5 में मुझे आंसर एक्स आ रहा है, तो मैं बोलूँगा 5.2 में भी आंसर एक्स ही आएगा, क्योंकि 2.5 में तुम एक पाथ ले रहे हो, तो मैं बोलूँगा 5.2 में उसको उल्टा, उसका उल्टा ले लेना, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो दो कैरेक्टर्स के बीच का मुझे निकालना है, कि अगर मुझे ए को बी बनाना है, तो ये है मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तुम्हें क्या करना है कि फॉर एवरी इंडेक्स, ये एस है और इसमें जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं C1, C2, C3, C4, C5, तुम्हारे पास F है उसमें भी कुछ कैरेक्टर्स हैं F1, F2, F3। अभी मैं क्या बोलूँगा कि ये C1 जो है ऑप्टिमल, मतलब जब मैं प्रोसेस ख़त्म करूँगा तो ये या तो F1 बन रहा होगा या F2 बन रहा होगा या F3 बन रहा होगा, और मुझे पता है कि C1 को F1 बनाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, राइट? फ्रॉम दिस थिंग मुझे पता है कि A को B बनाने में कितने स्टेप्स लगते हैं। मैं बोलूँगा कि मुझे C1 F1 का पता है, C1 F2 का पता है, C1 F3 का पता है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम ले लूँगा। लेट्स से कि C1 को F1 बनाने में 5 स्टेप्स लगते हैं, C1 को F2 बनाने में 10 स्टेप्स लगते हैं, C1 को F3 बनाने में 2 स्टेप्स लगते हैं। मैं बोलूँगा कि C1 F3 ले लेंगे, मतलब 2+ कर देंगे हमारे आंसर में, और ऐसे ही मैं सबके लिए करूँगा, मतलब C2 के लिए भी इन सब के साथ चेक करूँगा, C3 के लिए भी इन सब के साथ चेक करूँगा, C4 के लिए भी इन सब के साथ चेक करूँगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स लेट्स मूव टू द कोड, ठीक है। कोड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है इसका। कोड कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले तो तुम इनपुट ले लोगे SNF, ठीक है, और ये सम जो है वो एक्चुअली टोटल ऑपरेशन है, ठीक है। अभी मैं फॉर ईच कैरेक्टर, राइट, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, आई प्लस प्लस, अब फॉर ईच कैरेक्टर, राइट, आई एम सेइंग फॉर एवरी कैरेक्टर ऑफ एस, आई एम चेकिंग, व्हाट आई एम चेकिंग कि व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक दिस कैरेक्टर टू एनी ऑफ द टू सेम एज एनी ऑफ फेवरेट कैरेक्टर। मैं बोलूंगा कि ये C1 है, लेट्स से उसको किसी भी F1, F2, F3 किसी के भी साथ मैच कर सकते हैं, और जो जिसमें मिनिमम आएगा मैं बोलूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये F1, F2, F3 के भी सारे चॉइसेस ले लो। अभी मैं C1 पे हूँ, मतलब C1 मतलब आई इज इक्वल टू 0 पे हूँ, तो मैंने बोला कि सारे चॉइसेस ले लो, मतलब जितने भी फेवरेट्स हैं। अभी कैरेक्टर ए इज एस आई, मतलब एस आई को मुझे बनाना है एफ जे में, मतलब मैंने बोला कि ए जो है वो ऐसा ही है, एक कैरेक्टर तो ऐसा ही है ना, विच इज़ नथिंग बट C1। दूसरा कैरेक्टर लेट्स से अभी मैं इस पे हूँ, F1 पे हूँ, तो मेरे दो कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, C1 F1, अब मुझे इनको सेम बनाना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा ए हो गया ऐसा ही, बी हो गया एफ जे। अब आई वॉज अज्यूमिंग कि ए जो है वो लेस देन बी है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी हो जाता है तो मैं बोलूँगा स्वैप कर दो ए बी को, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। और अगर मुझे पता है कि ए इज़ लेस देन बी, तो वॉट वॉट विल बी द नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ए इक्वल टू बी, तो आई विल से दिस दिस मच, मिनिमम ऑफ बी माइनस ए, और मे बी ए माइनस स्मॉल ए, जेड माइनस कैपिटल बी, मतलब ये कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये स्मॉल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और ये भी कैरेक्टर 2 है, मतलब तुम बोल सकते हो ये कैरेक्टर 1 है और ये कैरेक्टर 2 है, तो वही वही मैंने किया। मिनल इज नथिंग बट मिनिमम फॉर दिस गाय, फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स व्हाट इज मिनिमम, तो मिनिमम निकाल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव इनिशियलाइज्ड इट विद मैक्सिमम वैल्यू, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, राइट, क्योंकि मिनिमम निकाल रहे हैं हर बार, तो हमें कोई बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहिए। मैं बोलूँगा मिनिमल मिनल इज नथिंग बट मिनिमम मिनिमम ऑफ मिनल एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस कैन बी दिस, ईदर बी माइनस ए और दिस गाय, राइट। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तुम बोल सकते हो कि डिस्टेंस और मे बी ऑपरेशंस, राइट, ऑपरेशंस ऑपरेशंस टू मेक ए एस बी, वो कितने होंगे, वो होंगे तुम्हें पता है मिनिमम ऑफ बी माइनस ए, वो तुम्हें पता है राइट, यहाँ से कि ए को बी बनाने के लिए ऑपरेशंस कितने होंगे, बी मिनिमम ऑफ बी माइनस ए और ये, राइट,
मैं बोलूंगा कि इंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे राइट, जेड माइनस बी, यही मैंने किया है यहाँ पे, जेड माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस वन। तो ये तो है ऑपरेशन, मतलब कि इस पर्टिकुलर आई को जे बनाने के लिए, ठीक है उसे आई जे राइट, इस पर्टिकुलर आई को जे बनाने के लिए। बट इस पर्टिकुलर आई के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन सब ऑप्शंस में से मुझे मिनिमम लेना है, इसलिए मैं बोलूंगा कि मिनिमम इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ मिनन एंड ऑपरेशंस ऑफ आई के, ठीक है। और सिंस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लूप मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो मैं उसको सम में ऐड कर दूंगा और फिर मैं इस सम को प्रिंट कर दूंगा। लेट्स जस्ट क्विकली रन दिस, लेट्स जस्ट क्विकली रन दिस ऑन सैम्पल्स। या एज यू कैन सी वी आर गेटिंग 6-0। तो अगर तुम लोग बोलो तो चलो सबमिट भी कर ही लेते हैं इसको एक बार राइट। तो लेट्स सबमिट दिस, अभी जज हो रहा है। मीनवाइल अगर तुम्हें कुछ डाउट है इस मतलब सोल्यूशन मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, मैंने कोड भी लिख दिया, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है ना तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं फटाफट तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, चिंता मत करना। एज यू कैन सी इट गॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट सॉल्यूशन, बाय।